मुरादाबाद के ब्रामपुर रोड के होटल क्लॉर्क इन में ब्लू रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन एंड इवेंट कंपनी ने मिस्टर एंड मिसेस यूनिक पर्सनालिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रिया अग्रवाल मौजूद रही। कार्यक्रम का आरंभ प्रिया अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के लड़के और लड़कियों ने प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजक R-kay गुप्ता ने बताया कि इसमें सफल होने वाले विजेता को टीवी के प्रोग्रामों में काम दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में हेल्प एनजीओ से गाजी नकवी, देवराज, शिवम और जुनेंद्र का सहयोग रहा। इसमें मिस्टर यूनिक में मनोज जॉर्डन और मिस यूनिक पर्सनैलिटी में आरोही रावत विजेता रहीं। इन दोनों को कार्यक्रम के आयोजक ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और साथ ही इन दोनों की जमकर तारीफ की और साथ ही बताया कि जॉर्डन बहुत ही समय से अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज तक इनको सही रास्ता नहीं मिल पाया। अब ब्लू रिकॉर्ड इन दोनों को जल्द ही अपने सीरियल्स में प्रतिभाग करने का मौका देकर इनकी प्रतिभा को निखारने में इनकी मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर अतुल, सीमा, ओम प्रकाश, अजीता झा, प्रोनिक राजपूत, दीपक गुप्ता, मजहर रिजवी ने भी अपनी टीम के साथ इसको सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैम क्या नाम है आपका? मैम क्या प्रोग्राम बोल रहे हैं यहाँ पर? मैम यूपी और उत्तराखंड के किन किस किस शहरों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और किस संख्या में? अच्छा मैम, जो विनर होगा उसके लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? थैंक यू मैम। क्या नाम है सर आपका? सर क्या प्रोग्राम हुआ था आज?
जी क्या प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर आज? यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत बहुत ही अच्छा लगा और उनके जो काम करते करते हैं मुझे बहुत बढ़िया लगा। इतनी मेहनत उन्होंने करी है कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और आगे और भी अच्छा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर अभी जो बच्चों ने प्रतिभा किया उनके लिए? चाहूंगा कि बच्चों की मेहनत जब मेहनत जिन्होंने कराई सारे लोगों का उसमें योगदान है। एक बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता, जैसे R-kay जी है, सद्दाम जी है, तो ये लगातार इस काम को लेकर चले और इन्होंने काम को अंजाम तक लेके आए। आज आपका यहाँ पे क्या रोल आए? मेरे दो शोज आ रहे हैं, दैट इज एनटीवी एंड आर्ट स्कूल सीजन 1 और आज मैं मिस्टर एंड मिस यूनिक पर्सनालिटी ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड 2017 जज करने के लिए आई थी। एंड आई मस्ट से कि मुरादाबाद में बहुत टैलेंट है, जो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं तो उनमें काफी टैलेंट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज मुझे नहीं पता था कि जैसे एक यहाँ पे एक कारण माइकल भी आए थे एंड ही इज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड और उनका टैलेंट माइंड ब्लोइंग और कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने काफी वर्क हार्ड किया है तो वो दिख रहा था उनकी परफॉर्मेंस। जितने पार्टिसिपेट किया उन्होंने क्या कहना चाहिए? मैं बोलूंगी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कंटेस्टेंट्स एंड मे द बेस्ट वन विन। थैंक यू सो मच। गुप्ता जी एसोसिएट साथ में ऑर्गेनाइजर है अतुल जी एंड सीमा फोकर और आपके कास्टिंग है मोहसिक साहब और हमारे ऑर्गेनाइजर्स एंड गेस्ट ऑफ ऑनर बताना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा नाम गुप्ता गुप्ता है, मैं टीवी एक्टर हूँ और टीवी एक्टर होने के साथ साथ एक्टिंग कोच हम लोगों के लिए टीवी एक्टर एज एन एक्टर हम करियर बनाना चाहते हैं। तो एज एन एक्टर और एज एन एक्टिंग कोच मुझे ज्यादा फैशन के बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, बट एक फैशन शो था उसको ऑर्गेनाइज किया ब्रांड रिकॉर्ड्स ने और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टैलेंट्स, काफी टैलेंट्स मैंने आज देखे जिन्होंने रैंक ऑफ किया और एक कदम से है अगर मुझे कोई टैलेंट दिखता है तो मैं उसको टीवी पर आने का मौका मिलता है और बट मच इन द ग्रेट टाइम विद दिस शो एंड वेल डन बाय मिस्टर R-kay Gupta इज द डायरेक्टर ऑफ। आज मैं एक शो ऑर्गेनाइज करा जिसका आज ग्रैंड फिनाले हो रहा है यहाँ पर, ये होटल कलाक्सिन है मुरादाबाद में, इसका फिनाले हो रहा है यहाँ पर। शो का नाम है मेरे मिस्टर एंड मिसेस यूनिक पर्सनालिटी ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड 2017। आज यहाँ पर जो भी मेरा विनर रहेगा गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को टीवी से वन ईयर का वर्क दिया जाएगा TGM के साइड से एंड वन ईयर का उन्हें वर्क का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ब्रू इंडस्ट्रक्शन के साइड से। कब से स्टार्ट हुआ था कब आज? जो हमारा जो म्यूजिक एंड डेवलपमेंट हमारा शो चल रहा था कम से कम 6 मंथ हो गए थे और ऑडिशन हुआ है। देन आज यहाँ पर सभी सिटीज से काफी सारे ऑल ओवर उत्तराखंड से हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जिसमें कि समथिंग 80+ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं एंड आज विनर तो एक ही बनेगा। क्या कहना चाहेंगे आप पार्टिसिपेंट के? मैं अपने पार्टिसिपेंट से बस ये बोलना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि विनर बन के ही वो कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर आज जो भी बच्चा यहाँ पर विनर नहीं भी बनता है तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, यहाँ से काफी कुछ सीखने मिलेगा अगले क्षण के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो यहाँ पर आज विनर नहीं बन पाता है तो वो मॉडलिंग फील्ड में जो उसका इंटरेस्ट है उसे डेवलप कर रहे। मैं चाहता हूँ अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखें और आगे ट्राई करता रहे तो वो काफी आगे जा सकता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।